दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा ही कमाल का टॉपिक है, वाईफाई हैकिंग के ऊपर मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। हम सभी को वाईफाई का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, फ्री में वाईफाई मिल जाए तो क्या मज़ा आ जाता है कि नहीं। अगर इंटरनेट स्पीड आपको मिल जाए फ्री में, कॉलिंग फ्री मिल जाए तो और क्या चाहिए। जियो में तो यही तो है, आजकल जियो में लोग कॉलिंग कम कर रहे हैं, इंटरनेट चाहिए, बस हाई स्पीड नेट चाहिए। जियो की स्पीड खराब हो गई वो एक अलग इशू हो गया। तो आज आप लोग ये वीडियो देखते रहिए, हम लोग वाईफाई हैकिंग के बारे में बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है, क्या रियली में वाईफाई हैकिंग इट्स पॉसिबल, अगर है तो कैसे। तो आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, लीगल और इलीगल दोनों वे बताऊंगा। तो आज आप लोग ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि लाल कलर का सब्सक्राइब का एक बटन होगा, इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पीसी या लैपटॉप या फिर मोबाइल में भी देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वाईफाई हैकिंग, मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इलीगल चीज़ है, यानी कि आप भूल के भी किसी का वाईफाई पासवर्ड हैक ना करें। अगर आप हैकर हैं तब भी ना करें। हैकिंग क्या है, एक तरह का चोरी ही तो है। अब डिपेंड करता है कि हैकिंग आप किस तरह से करते हैं। एक होता है एथिकल हैकिंग, यानी वैसा हैकिंग जिसकी मदद से आप किसी को सेफ करते हैं, मतलब वो चोरी नहीं हुआ, आप किसी को सेफ करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी कंपनियां बड़े बड़े हैकर्स को अपने यहाँ रिक्रूट करके रखती है ताकि उनका डेटाबेस, उनका कोई सर्वर छेड़छाड़ ना कर सके और वो हैकिंग होने से बच सके, जो खतरनाक हैकर है उनसे बच सके। तो इनके लिए एथेंटिकल हैकर्स वो रिक्रूट किए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाईफाई हैकिंग के बारे में। तो मुझे जैसा कि पता है कि वाईफाई हैकिंग रियली में हैकर्स तो कुछ भी कर ही लेते हैं। हैकर्स को सिर्फ एक सिंगल लिंक चाहिए, एक सिंगल कनेक्शन चाहिए आपके कंप्यूटर या आपके सर्वर में घुसने के लिए। ऐसे में वाईफाई हैकिंग उनके लिए बहुत ही सिंपल है। तो उनको बस छोटा सा लिंक चाहिए, छोटा सा क्लू चाहिए और वो बहुत ही ईजी वे में पासवर्ड आपका हैक कर सकते हैं। चाहे वो हैकिंग का गेसिंग मेथड हो, चाहे वो अपना वो उनका जो सॉफ्टवेयर हो, जो भी टेक्निक हो। दोस्तों वाईफाई हैकिंग, देखिए मैं तो जानता नहीं कि हैकिंग कैसे की जाती है, लेकिन हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जो वाईफाई है, जो हैकर्स जो हैकिंग करते हैं वाईफाई पासवर्ड को हैकिंग करते हैं, वो करते हैं लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। विंडोज और लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जो कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर वीडियो देखना चाहें तो यहाँ पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे जाएं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा क्या क्या डिफरेंट है। लिनक्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्जन होते हैं, जैसे कि विंडोज़ के विंडोज 7 होते हैं, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 3 वगैरह वगैरह, उसी तरह लिनक्स के भी काफ़ी सारे वर्जन हैं। तो ऐसे में आप देखें, आपको एक शायद पता ना हो लेकिन मैं बता दूं कि बैक ट्रैक 5, यानी कली लिनक्स के अंदर में बैक ट्रैक 5 एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हैकर्स जनरली वाईफाई हैकिंग का यूज करते हैं। और भी काफ़ी सारे मैकेनिज्म हैं, काफ़ी सारे टेक्निक हैं, लेकिन कली लिनक्स जो लिनक्स का ही ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, एक वर्जन है, जिसके थ्रू बेसिकली ज़्यादातर हैकर्स वो हैकिंग का काम करते हैं। अब ऐसे में आप हमसे पूछेंगे कि क्या आप हैकर हैं, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं। क्या आपने कभी वाईफाई पासवर्ड हैक किया है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं। भाई हैकर क्या है, हैकर तो मेरे और आपके जैसा ही कोई ना कोई है। तो वो भी गेसिंग मेथड से पासवर्ड हैकिंग करता है, आपके मोबाइल नंबर डालेगा, आपका ईमेल एड्रेस डालेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ डालेगा, जो भी नॉर्मल चीज़ हो, सेटअप डिक्शनरी, उसके पास 500 पासवर्ड होता है। 80% लोग वही पासवर्ड यूज करते हैं, वेलकम एट द रेट 123 स्टार 123 हैश 121 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 10 तक। तो बस ऐसे ही वो सब ट्रिक डालकर युवा हैकिंग करने की कोशिश करता है। अगर हैकिंग उस तरह से ना हो, अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो, काफ़ी स्ट्रांग हो, मतलब कि नंबर अल्फा न्यूमेरिक आपका नंबर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, तो शायद हैकर्स को काफ़ी समय लग जाएगा हैकिंग करने के लिए। चलिए ये तो एक अलग बात होगी, हैकर्स हैकिंग की बात वो तो बंद कीजिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आप किसी भी कंप्यूटर पर बैठे हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट हो, चाहे वो वायर के थ्रू हो यानी लैन केबल के थ्रू हो, चाहे वो वाईफाई डिवाइस अगर उसमें सपोर्ट करता हो, तो डेस्कटॉप में भी वाईफाई डिवाइस अगर सपोर्ट करता है, चाहे वो वाईफाई के थ्रू हो, तो आप उसको पासवर्ड कैसे देख सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसका भी एक तरीका है। दोस्तों इसके लिए आपको पता होगा कि जो मेरा होता है राउटर, उस राउटर में होता है पासवर्ड सेव, यानी जब हम राउटर को कन्फिगर करते हैं राउटर में, तो उस समय हम लोग पासवर्ड सेट करते हैं कि कौन सा पासवर्ड वहाँ पे डाला जाए। आप जब चाहें तो पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक आईपी एड्रेस, यानी वो आईपी एड्रेस 192.168.0.1 या फिर 192.168.1.1 ये होता है, जनरली होता है। तो ये जब आप डालते हैं तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है, जिसका बाई डिफॉल्ट यूजर नेम होता है एडमिन और पासवर्ड भी होता है एडमिन ADMIN। तो वो डाल के लोग लॉगिन करते हैं, फिर आप नेटवर्क सेटिंग में जाते हैं, वायरलेस सेटिंग में जाते हैं, वहाँ पे आप अपना पासवर्ड जो सेव होता है वो आप वहाँ से चाहे तो देख सकते हैं।
ये तो हुआ पासवर्ड, आप देख लिए, पता लगा लिए। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपका अगर वाईफाई के थ्रू अगर अपने पीसी या लैपटॉप को कनेक्ट किए हुए हैं, तो आप वाईफाई वाले जो सिग्नल्स होते हैं उस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो वहाँ से भी नेटवर्क सेटिंग में जाके, वायरलेस सेटिंग में जाके, प्रॉपर्टीज में जाके, आप सिक्योरिटी में जाके चाहे तो वहाँ से पासवर्ड को विजुअल करके ऑन करके आप देख सकते हैं। तो खैर ये हुआ देखने का तरीका, अलग तरीका है। तीसरा मेथड ये है कि अगर कोई फ्रेंड का या फिर ऑफिस का या फिर ऐसे जान पहचान वाले के घर में आप जाते हैं जहाँ पे वाईफाई आपका एक राउटर लगा होता है, अगर वाईफाई का पासवर्ड आप जानना चाहते हैं टेम्पोररी, अगर अपने फ़ोन को इनफैक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं वाईफाई से, तो आप देखेंगे कि राउटर के पीछे में एक छोटा सा बटन लगा होता है। वहाँ पे दो तरह के बटन होते हैं, एक बटन आप गौर से देखेंगे वहाँ पे लिखा होगा WPS बटन। तो जब WPS बटन को आप क्लिक करते हैं तो थोड़ा देर के लिए सिग्नल, स्पेशल सिग्नल निकलता है, अपने फ़ोन को वाईफाई में जाएं, वाईफाई को खोल ले, वाईफाई ऑन नहीं करना, पहले वाईफाई को पे क्लिक करना है तो वो खुल जाएगा, फिर आप वाईफाई को ऑन कर ले। वहाँ पे आप देखेंगे जब उसके साइड लेफ्ट वाले साइड में बटन पे आप क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक आएगा WPS बटन का, उस पे आप क्लिक करेंगे तो WPS के थ्रू में आपका वाईफाई वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो मतलब एक मिनट का समय लगेगा, आधा मिनट एक मिनट में वो वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसे भी आप अपने फ़ोन में वो वाईफाई टेम्पोररी कुछ टाइम के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप टेम्पोररी भी कनेक्ट हो गए तो फिर भी आप 192.168.1.1 या फिर 0.1 से जाके उनके राउटर को आप ओपन कर सकते हैं, वहाँ से परमानेंटली पासवर्ड आप देख सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है वाईफाई पासवर्ड का पता लगाने का। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 3-4 टेक्निक जो मैंने आपसे शेयर किया शायद आपको काम आ जाए, शायद पसंद आ जाए। कई बार नए ऑफिस में जाते हैं तो पासवर्ड अगर मतलब कोई रिक्वायरमेंट भी होती है तो आपको पूछने में खराब लगता है या फिर जो भी बात हो, तो आप चाहे तो ऐसे भी पासवर्ड आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो का बनाने का मतलब सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने का था। मैं कभी भी ऐसे इस तरह के हैकिंग करने या फिर चोरी करने के बारे में मैं आपको कभी भी नहीं बताना चाहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए कुछ इसी तरह का वीडियो लेके आता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसको भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि फेसबुक पेज पे मैं रोज़ाना आपके लिए कुछ ना कुछ नया टिप्स एंड ट्रिक्स एंड पोस्ट लेटेस्ट पोस्ट चीज़ मैं करता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।